आज इन लड्डू रामों का भोजन कराया जाएगा ना, बताया उसके लिए। थैंक यू सर। गाइज काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं, गाइज मैं जब पब्लिक में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मुझे लोग ऐसे घूर रहे हैं जैसे मानो कि आज पब्लिक में कोई एलियन आ गया हो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे नाकर और फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइज फाइनली मैं हो गया रेडी और आज जाना है हमारे को दादूदयाल जी के मेले में, तो अब चलते हैं मेले में, काफ़ी मज़ा आएगा। उससे पहले मैं आपको एक रूम में एक चीज़ बतानी है, तो रूम में चलते हैं, बताता हूँ फिर करते हैं मेले की शुरुआत। जो दादूदयाल जी का मेला चल रहा है उसके लिए हमारे लिए भी इन्विटेशन आया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, एक फ्रेंड है उसने दिया है। और अब करते हैं मेले की शुरुआत, तो चलते हैं मेले में, काफ़ी मज़ा आएगा, ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आपको मेले के हर एक कोने में घुमाऊंगा। तो अब करते हैं मेले की शुरुआत, इस ब्लॉग में आपको मेले के ड्रोन शूट भी दिखाऊंगा और पूरा मज़ा आपको आ जाएगा ब्लॉग का। तो अब मैं जा रहा हूँ, बाइक से जाऊँगा और कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है, वहाँ से फ्रेंड होंगे उनके साथ रहेंगे। तो अब चलते हैं मेले में, आपको सब एक एक चीज़ बताऊँगा। सो गाइज मैं मेले में पहुंच गया हूं और यहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। गाइज अभी यहां पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। यहां पे सभी श्रद्धालुओं को अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था की गई है, आप देख भी सकते हो पीछे अच्छे से व्यवस्था की गई है। गाइज अभी दादूदयाल जी की आरती हो रही है, चलो आपको आरती के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। गाइज अभी यहाँ आरती हो रही है, आप देख सकते हो। गाइज यहाँ पे काफी भीड़ है और काफी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, आप देख भी पा रहे हो वीडियो में। तो गाइज फाइनली आरती के दर्शन कराए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, काफी श्रद्धालु आए हुए हैं और दूर दूर से भी श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है दादूदयाल जी का, और ये सबसे बड़ा धाम है दादूदयाल जी का पूरे विश्व में। गाइस अब हम मंदिर में चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। गाइस मंदिर को भी काफी शानदार तरीके से सजाया गया है, आप देख भी सकते हो मंदिर को कितना सजाया गया है, और मंदिर काफी प्यारा लग रहा है और काफी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। गाइज ये मेला लगातार 7 दिनों तक चलता है और 7ों दिन यहाँ पे शाम को भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको पूरी तरीके से भरपेट यहाँ पे खाना दिया जाता है। और आप सामने अभी देखोगे वो पंगत है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा। तो आपको पहले जो पंगत है वो मैदान दिखाता हूँ। गाइज जो अभी देख रहे हो ये पंगत का मैदान है, अभी तो इसमें काफ़ी वाहन खड़ी कर दी गई है, लेकिन शाम को जब यहाँ खाना स्टार्ट होगा तो ये पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे सभी, और यहाँ पर पंगत लगाई जाएगी और फिर सबको प्रसाद दिया जाएगा। गाइज यहाँ दादूदयाल जी के मंदिर में यहाँ का एक रूल है कि आप किसी भी खाने को डायरेक्ट, जैसे लड्डू है तो उसे लड्डू नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको लड्डू राम बोलना पड़ेगा, और आपको इसके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो गाइज अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जहाँ पर यहाँ का खाना बनता है, उसमें अंदर जाने से पहले यहाँ पे जूते हमें उतारना पड़ेगा, तो हम जूते उतारते हैं और फिर अंदर चलते हैं। गाइज ये आप देख रहे हो ये आज के लड्डू राम है, आज इन लड्डू रामों का भोजन कराया जाएगा। ऐसे 6 भंडार भरे हुए हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे खाना बनाया जाता है और यहाँ चप्पल और जूते बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गाइज यहाँ पे खाना बनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा कड़ाव भी है, लेकिन उस कड़ाव को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसमें किसी मिस्त्री की जान चली गई है, उस वजह से उसको बंद कर दिया गया है, वरना पहले खाना उसी में बनाया जाता था। अभी आपको वो कड़ाव भी दिखाता हूँ। सो गाइज आपको यहाँ भारत का सबसे बड़ा कड़ाव रखा हुआ है दादूदयाल जी के मंदिर में, वो दिखाता हूँ। तो वो कड़ाव ये वाला है, देखो अच्छे से। सो गाइज अब ले चलते हैं आपको दादूदयाल जी की मेन पीठ की तरफ, जहाँ पे सभी जो दादूदयाल जी के भक्त और दादूदयाल जी के जो गुरु थे उनका यहीं पे मेन पीठ है, चलो उनकी तरफ चलते हैं। गाइज जो आप सामने देख रहे हो वो दादूदयाल जी की मेन पीठ गद्दी है, ये गद्दी 250 साल पुरानी है। दादूदयाल जी के मंदिर में गुरु चेला परंपरा चली आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक के बाद एक यहाँ पे गद्दी को संभालते रहते हैं। अभी जो संभाल रखे हैं वो गोपाल दास जी महाराज, 20वें गद्दी धारक है। गाइज राजस्थान में दादूदयाल जी के 5 मंदिर है, जिनमें से एक मंदिर ये है नरेणा में, जो सबसे बड़ा मंदिर है। सो गाइज फाइनली आप थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं। Yeah.
यहाँ पे सुरक्षा को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी बिठाई गई है। गाइज मुझे पता है आप लोग ब्लॉग में काफी खो गए हो, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइब बटन को भी आपको क्लिक करना है और उसके साथ साथ कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। गाइज अभी आपको मेले की सैर भी करवाऊंगा, उससे पहले आपको यहाँ की सुरक्षा मापदंडों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे काफी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ साथ ऊपर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि ताकि कोई गलत गतिविधि ना हो पाए। तो हम चलते हैं और जो यहाँ के मेन इंचार्ज है उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी बात करके पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखा गया है। सो गाइस फाइनली हम जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं उनके पास पहुँच गए हैं और ये नरेना के एएसआईओ है, तो इनसे बात करते हैं कि क्या हालात है यहाँ के सुरक्षा मापदंडों का, तो उनसे पूछते हैं। तो गाइस फाइनली अब सर से बात करते हैं। हाँ सर बताइए यहाँ पे सुरक्षा के क्या क्या मापदंड रखे गए हैं। भाई यहाँ हमारे 100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और अपने यहाँ गौरी शंकर बांध है अपने मंदिर के पास में, तो उसमें करीब 15 फीट पानी है, उसके लिए अपने एक गोताखोर टीम अलग से मंगवाई हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना घटित हो। और सर आपने यहाँ पे बीच में कंट्रोल रूम भी बना रखा है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और अपने कंट्रोल रूम बना रखा है, कोई जाब्ते की कमी पड़े और अपने ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना बताया उसके लिए, थैंक यू सर। तो गाइज हमारी बात हो चुकी है और इन्होंने मापदंड बताए हैं, उनके बारे में मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जिनमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी है ताकि कोई महिलाओं के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो पाए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो दादोयाल जी का मुख्य द्वार है वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सो गाइज अब आपको मेले की सैर करवाता हूँ, मेले की सैर के बाद में यहाँ पे जो भी झूले वगैरह लगे हुए हैं वो भी आपको सब दिखाऊंगा। तो पहले मेले की सैर करते हैं, मेले में क्या क्या है, किधर क्या है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो अब मेले की सैर करते हैं। तो गाइस अब मेले में आ चुके हैं और यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। मेले के लिए दो रास्ते हैं, एक तो उधर से भी आ सकते हैं और एक इधर से भी। तो यहाँ मेले की शुरुआत होती है यहाँ से, ये देखो यहाँ के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से एंटर होते हैं मेले में, देख सकते हो आप। गाइस मेले में हर प्रकार की दुकानें और हर प्रकार का आइटम मिल रहा है, इसके लिए काफ़ी दुकानें लगाई गई है, और ये समथिंग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में मेला लगाया गया है पूरी तरीके से, जिसपे सभी प्रकार की दुकानें एक कतार में लगी हुई है, आप देख भी सकते हो। गाइस कई लोग बोलते हैं कि पब्लिक में ब्लॉग करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है पब्लिक में ब्लॉग करने में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं मैं इतना मोटिवेट कहाँ से हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, और मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लाउड में है। गाइज मैं भी इस मेले से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने वाला हूँ, अगर वो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज मैं तो मेला काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप कितना इन्जॉय कर रहे हो, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को अलग ही घूमना मज़ा आ रहा है मुझे तो। गाइज मैंने काफ़ी ब्लॉग देख रहे हैं जिनमें वो लोग बोलते हैं कि पब्लिक में ब्लॉग करना इतना पॉसिबल नहीं होता है और इतना कॉन्फिडेंसफुल नहीं रहता है, लेकिन मैंने भी 1 महीने से ही ब्लॉगिंग शुरू की है और उसके बाद भी मैं अच्छे से पब्लिक में बोल पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं कहीं पब्लिक में हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि ये मेरा कॉन्फिडेंस आपको कैसा लग रहा है। गाइज अगर आप लोगों को मेरी मेहनत डेडिकेट लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइज मैं जब पब्लिक में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मुझे लोग ऐसे घूर रहे हैं जैसे मानो कि आज पब्लिक में कोई एलियन आ गया हो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो गाइज मेले में घूम के बाहर आ चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज मुझे जहाँ तक लग रहा है तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मुझे नहीं देखा होगा, भाई बहुत मज़ा आ रहा है आज तो। तो गाइज अब चलते हैं हम जहाँ पे झूले वगैरह के लिए लगा रखा है वो जगह आपको दिखाता हूँ। तो गाइज फाइनली उस जगह आ गए। गाइज मैं चाहता हूँ कि आपको मेले का हर एक मूवमेंट पता हो, हर एक मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी हो, यहाँ पे मैं किसी भी मूवमेंट को मिस नहीं कर रहा हूँ और हर मूवमेंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज आप देख के समझ सकते हो, आवाज़ों से समझ सकते हो कि यहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन हो रहा होगा। गाइज यहाँ पे काफी लोग झूला झूल रहे हैं, लेकिन मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं झूलने वाला झूला। सो गाइज उधर काफी ज्यादा घूम के आ चुका हूँ और अब इसी के साथ साथ यहाँ पे पंगत शुरू हो रही है, तो उसके भी आपको ड्रोन शूट दिखाऊंगा। यहाँ की काफी बड़ी पंगत होती है वो, इसलिए आपको उसको देखना ज्यादा जरूरी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में नाइट को यहाँ के जो लाइटिंग के सूट है वो कंप्लीट आपको दिखाऊंगा, दूर से भी और पास से भी और ड्रोन से भी।
गाइस, मैं अब दोबारा मेले में टूर करने आया, तो अब धीरे धीरे नाइट होने लग गई है और सभी लोग अपने अपने सामान को यहाँ से समेटने की तैयारी कर रहे हैं। अब दुकानें ऑफ होगी और उसके बाद में लाइटिंग ऑन होगी, तब आपको ड्रोन शूट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, ब्लॉग में ड्रोन शूट तो बाद में मिलेंगे मजे वाले। सो गाइस, अब रात हो चुकी है और मैं अब आपको ड्रोन के शूट दिखाता हूँ। चलो ड्रोन उड़ाते हैं और फिर घर चलेंगे। सो गाइज, दादू मेले से सीधा घर। हाँ गाइज, क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था, अब नहा के रेडी होके एडिटिंग के लिए बैठ गया हूँ। अभी हो गए 10:05 और अब मैं शुरू करूँगा मेरी एडिटिंग। अब एडिटिंग शुरू करते हैं, मिलते हैं एडिटिंग के बाद। जी तो कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन एडिटिंग भी जरूरी है, तो अब करते हैं एडिटिंग, मिलते हैं फिर। सो गाइज, फाइनली ब्लॉग की एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 4। यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देख लिया है तो आप खुद समझ गए होंगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू एंड बाय।